तो सबसे पहली बात क्या, आज मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ कि आज हमारा एक बैच कंप्लीट हुआ है और ये टोटल आप लोगों का जो बैच था वो 15 स्टूडेंट्स का बैच था। तो सभी बच्चों का बैच कंप्लीट हो गया है और उसके बाद फिर दूसरा बैच स्टार्ट होगा। उसमें से जो लोगों को आना है तो वो सभी लोग अपना 25 तारीख तक आ जाएंगे मेरे पास। इसीलिए मैंने उनको उसी टाइम पे टाइम दिया था कि 20 से 25 के बीच में आएंगे, तब तक तुम्हारा बैच कंप्लीट हो गया। और आप लोगों ने, सब लोगों ने मेहनत करके बहुत अच्छा सीखा। इसमें से सभी लोगों को मुझे लगता है कि 45 दिन हो गए हैं, किसी को 45 दिन से 2, 4, 5 दिन ज़्यादा भी हो गए हैं। और इसमें से अभी इस बैच के अंदर कुछ 1, 2, 3 स्टूडेंट्स, 4 लोग स्टूडेंट और भी हैं जो लोग इस बैच में ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन वो 3, 4, 5 दिन बाद में आए थे या समथिंग, उनको 1 हफ्ते भी बाद में आए थे। उनका हैंड स्किल नहीं मजबूत है या किसी कारण से वीक है, वो लोग नहीं जाएंगे। वो लोग अपना पूरा जो चीज़ बचा हुआ है, बैच कंप्लीट हो गया। बैच कंप्लीट होने का मतलब ऐसा नहीं कि हमने सीख लिया अब काम खत्म, चलो घर भागो। जब तक हमारी वो चीज़ें परफेक्ट तरीके से पूरी नहीं हो जाती। दूसरी बात कि आज मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी सारे लोग जो स्टूडेंट लगे हैं, जो लोग सीख के गए हुए हैं या सीख करके जा रहे हैं, अगर उनको कभी भी भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो मैंने सर जी लाइफ टाइम सपोर्ट का कॉलम मैंने इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा सिखाया हुआ बच्चा कभी ज़िंदगी में फेल ना हो। अगर वो फेल होता है किसी कारणवश तो उसका जो फेलियर का अवार्ड है मैं भी लेने को तैयार हूँ। वो कभी भी फेल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं फेल होना चाहिए? क्योंकि उसको हमेशा निरंतर काम करते रहना चाहिए। कभी कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, तो आप हमारी टीम से, ईटेक इंस्टीट्यूट से आप सपोर्ट लीजिए कि कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही, कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्योंकि आप मोबाइल फोन सेक्टर में जुड़े हैं तो सभी लोग इतना तो जानते ही हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी इस लाइन में आती रहती है। आज क्या है, कल क्या नया हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। जो नया नया चीज है, आज 4G आ रहा है तो ये चल रहा है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो 4G मोबाइल फोन जो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के मोबाइल फोन होते थे, आज जो जस्ट 50% रेट में डाउन होते जा रहे हैं। 5G मोबाइल फोन आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर कल को 5G आई है तो ये भी बात नकारा नहीं जा सकता कि कल को 6G ना आए, 6G भी आएगी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो टेक्नोलॉजी में जो बदलाव होते जा रहे हैं, तो हम लोगों को भी जाहिर सी बात है कुछ नई नई चीजों को क्या करना पड़ेगा, हमेशा समझते रहना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जब हमेशा समझते रहेंगे, अपडेट बने रहेंगे, या अपडेट होने के क्या क्या रास्ते हैं ये सारी चीजें पता रहेंगी तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। आज सबसे पहली बात क्या है, मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी एक क्लास देना चाहता हूं, 5 मिनट की। वो ऐसी क्लास है कि जितने भी सारे जो रिपेयरिंग करने वाले हैं, वो रिपेयरिंग करने वालों के लिए बहुत बेहतर है। बेहतर का मतलब आपको अपने जीवन में इस चीज का धारणा बनाकर रखना है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, उनको इसलिए सिखाते हैं ताकि उनके बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, निरंतर काम करने रहने के लिए। अच्छा ये बताइए कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता कि मैं आज सफल हो जाऊं और या लॉन्ग टर्म के लिए सफल हो जाऊं? कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता कि मैंने आज खाना खा लिया है और उसके बाद जो मेरे हाथ में, जिसमें मैंने खाना खाया है, वो थाली उसको मैंने ऐसे फेंक दिया। ऐसा सिर्फ होटल में होता है। कहां पर होता है? लेकिन घर में नहीं होता। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आदमी कहीं बाहर जाता है तो उसकी चीजें और होती है, लेकिन अपने जिंदगी में काम करता है। ये मैं अपने लाइफ के लिए बात कर रहा हूं कि आपने कोई चीजों को यूज किया, यूज करने पर फेंक दिया, ऐसा नहीं करना। आपको उन चीजों को हमेशा अपने लाइफ में ग्रहण करना है, उनको एक्सेस करना है। उनको एक्सेस करने के बाद अगर आप उन चीजों को एक्सेस करेंगे तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे। क्यों सफल होंगे? क्योंकि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। क्योंकि हमारे साथ में आज जो हमारे स्टूडेंट हैं, एक लोगों ने मैसेज हमको कमेंट किया था कि सर जब हमें यहाँ से जाएं तो हमको कुछ चीजें ऐसी भी सिखा के भेजें ताकि हम अपनी शॉप को रन कर सकें और हमको शॉप रन करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको जिंदगी भर अपनी दुकान चलानी है, हमेशा कोई इस लाइन में काम करना है, और इस लाइन में सीखने का मतलब होता है कि हमको अपनी बिजनेस लाइन में उतरना है और बिजनेस के लाइन में हमेशा सफल होना है, तो सफल होने के लिए मैं आपको 4 से 5 चीजें ऐसी बताता हूं जो आपको हमेशा करना है, डेली रूटीन में करना है। मैं भी करता हूं और आप लोग भी डेली रूटीन में करिए। अगर आप डेली रूटीन में करेंगे तो जाहिर सी बात, मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप सफल होंगे और आपको कभी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली चीज क्या है, अगर आपने शॉप ओपन करी, शॉप खोली,
तो शॉप खोलते समय सबसे पहली चीज आप टाइम पे फोकस करिए। टाइम पे फोकस करने का मतलब होता है, अगर आपने अपने दिमाग के अंदर यहां सेट कर लिया कि हमको भैया 9 बजे शॉप ओपन करनी है और उसके बाद रात में हमको 8 बजे बंद करनी है, तो उसके अलावा उससे ज्यादा भी हो जाए लेकिन उसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक आदमी जब आप शॉप खोलते हो तो आपका लोकल का रहने वाला, आपसे निकलने वाला आदमी जो आपको जानता है, जो आपके पास आना चाहता है फोन करके, बिना फोन करके या देखते हुए आपसे मिलना चाहता है, या तो वो आपके दिमाग में ये चाहता है कि भैया उनकी दुकान 9 बजे खुल जाती है तो हम लोग 10 बजे जा रहे हैं तो आज वो मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल सी बात मैं कहता हूँ, जैसे हम ही लोग होते हैं, जनरल सी बात होती है, आप ही लोग हैं, सब लोग रहते होंगे अपने क्षेत्र में, तो आप लोगों के यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी अच्छा जरूर होगा जो आपको पानी के बतासे खिलाता होगा। सब लोग खाते हैं, तो जब पानी के बतासे खाते हैं तो हम लोग क्या घर से सोच के चलते हैं क्या, जब शाम को निकलेंगे तो उसके बतासे खाते हुए निकलेंगे, ऐसा पहले ही सोच लेते हैं। लेकिन जब वहां से निकलते हैं एग्जैक्टली वो चीज क्या होती है, बंद मिलती है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ही रहता है यार उसके चक्कर में आधा 1 किलोमीटर फालतू चक्कर काटा, दूसरा काम भी छोड़ा, ये बंद करके भाग गए, पागल आदमी है। ऐसा जब आपके साथ में 2 बार 3 बार 4 बार होता है तो चौथी बार आपके दिमाग में ये सोचना आएगा यार इन्हें छोड़ो यार, यही कर लो उसको, छोड़ो, बंद मिलता है बार बार, होता कि नहीं होता। ये हमारे लिए एक निगेटिव मार्केटिंग हमारी जाती है, जो सबसे पहली बात जो होती है जो हमारे टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक, पहली चीज आपको अपने टाइम से काम करना है। अगर आपने जो टाइम अपने लाइफ का सिलेक्ट किया है उस टाइम को देना है, उसके टाइम पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी परेशानी अलग है, ये एक आपकी जो पहली सोल्यूशन है वो आपके साथ। अगर जिंदगी के साथ में सोल्यूशन है तो परेशानियां भी हल हो जाती है, सोल्यूशन नहीं है तो परेशानियों का को कोई हल नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज, जब आप अपनी शॉप में काम करेंगे तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे। अपडेट का मतलब होता है आपकी शॉप में क्या काम ऐसा है जिस चीज की जरूरत है वो आपके पास नहीं है, वो चीज खत्म हो गई है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, यहाँ के वहां के लोग क्या चीज आपसे चाहते हैं, या कोई ऐसा काम है जैसे मान लिया आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर नहीं डाल पा रहे हैं, या मोबाइल फोन में आईसी को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, या मोबाइल फोन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है, जो आप ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके अंदर कमी है उस कमी को क्या करना है, पूरा करना है, उस कमी को क्या करना है, सुधार करना है, और अपने अंदर उस चीज को लेना है और फिर से अपडेट होकर के अच्छी तरीके से काम करना है, ताकि आपके साथ में कोई कस्टमर आए और कोई प्रॉब्लम एक बार नहीं ठीक कर पाते वापस चली जाए, तो दोबारा से आप अपने दिमाग में कॉपी में लिख लीजिए मोटा मोटा, या सामने अपने डेस्क बोर्ड में लगा लीजिए कि ये काम मैं नहीं कर पाया, सामने लिख के रख लो। अगली बार ऐसा तो है नहीं कि प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी, प्रॉब्लम दोबारा आएगी। मान लिया किसी बंदा आया, उस बंदे ने बोला कि काम करो हमको आईफोन का डाटा केबल चाहिए, तुम्हारी दुकान में आईफोन का डाटा केबल नहीं, लिख के रख लो ताकि कल को जब मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आईफोन का डाटा केबल खरीद के लाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इससे क्या रहता है कि आप अपडेट नहीं रहते, इससे क्या होता है कस्टमर के दिमाग में बैड इफेक्ट जाता है, क्योंकि कस्टमर को एक बार चीज ना मिली चलेगा, लेकिन दोबारा ना मिले तो फिर आप ही नहीं चलोगे, समझे ना, ये बात होता है, क्योंकि पहली बार जहां से लिया है दोबारा नहीं मिलेगा फिर वहीं जाएगा वो। तो इसीलिए क्या है कि आप हमेशा अपडेट होकर के रहो। तीसरी चीज क्या है कि आप अपने एरिया में लोकल मार्केटिंग जरूर करें। लोकल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी आसपास एरिया में जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कोचिंग हैं, या जो लोग किसी और सेक्टर से जुड़े हैं, जो परचून की दुकान चला रहे हैं, किसी और चीज का काम कर रहे हैं, किसी और बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप उनसे जा करके जब भी आप एक दिन का कोई ऑफ रहता है तो आप 2-3 घंटे का समय निकालें, आप जा करके मिलें, ये मिलें कि भैया देखो हमारे पास ऐसा काम होता है, कभी कोई काम हो तो आप मेरे पास आइएगा, या कुछ लोगों को अपनी जो सर्विसेस हैं अपने सर्विस के बारे में बताइए। क्योंकि इतना बात आप ध्यान रखें, क्योंकि इतना बड़ा अगर लाइफ बॉय साबुन है, डिटॉल साबुन है, ये सारे इतने बड़े बड़े ब्रांड है, ये लोग भी जब इतना बड़ा होकर के भी अपनी मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग इनके सामने बहुत छोटी सी चीज है, बहुत तुच्छ आदमी है ना। तो हम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी लोकल मार्केटिंग करनी है, और कभी भी अपना काम करने के लिए कभी जिंदगी में शर्म नहीं करना है कि भैया मैं जाऊंगा और ये मेरे ससुराल से हैं, या मेरे जानने वाले हैं, या मेरे दूसरे लोग हैं, अगर मैं किसी बात को बोलूंगा कि यार मैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम करता हूँ तो बड़ा छोटा समझेंगे। अरे क्या छोटा समझेंगे, कोई छोटा नहीं, आज छोटा समझते हैं ना कल वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होंगे, कहेंगे इस मेरे मोबाइल फोन का चार्जिंग कनेक्टर खराब हो गया है,
लो ठीक कर दो और 32 दांत निकाल देंगे। फिर आप चौड़े होकर कहोगे ठीक हो जाएगा, 150 रुपये लगे, रख जाओ, है ना। ऐसा उस दिन कॉन्फिडेंस आता है जिस दिन आप अपनी शर्म को छोड़ देते हो। क्या कर देते हो? शर्म छोड़ देते हो। तो ऐसा कभी लाइफ में नहीं रहना, क्योंकि हमने इस चीज को फील किया हुआ है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज को फील करते हैं कि जब मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं हम उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको लोकल की मार्केटिंग जरूर करनी है, क्योंकि लोकल की मार्केटिंग ही वो लोग आपको मजबूत करेंगे। कोई आदमी असम से आकर के आपसे फोन नहीं ठीक कराने आएगा, कोई दिल्ली से आके मोबाइल फोन नहीं ठीक कराने आएगा। मोबाइल फोन तो वही ठीक कराएगा जो महोबा का रहने वाला होगा, जो तुम्हारे पास का रहने वाला होगा। तो इसीलिए क्या है कि आपको अपनी लोकल मार्केटिंग करनी है। दूसरी बात, चौथी चीज, जो आपकी सर्विस होनी चाहिए वो सर्विस हमेशा कस्टमर सपोर्टिंग होनी चाहिए। सर्विस का मतलब होता है जैसे आप किसी भी मोबाइल फोन को ठीक करते हैं, और ठीक करने का अगर आपका कस्टमर सपोर्टिंग से क्या मतलब होता है, कस्टमर सपोर्टिंग से यह मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज को ठीक करके दे दिया, ठीक करके देने के बाद जब भाई नई चीज थी वो खराब हुई है, तो क्या आप किसी चीज को बना करके ठीक करके देंगे तो क्या वो दोबारा खराब नहीं होगी? खराब होगी। अरे भाई जब नई चीज खराब हो गई, ये तो मैं बना के दे रहा हूँ, ये तो मेरा सेकंड ऑप्शन है। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी चीज को बना करके दे रहे हैं और वो चीज अगर एक बार खराब हो जाती है, तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि उस कस्टमर को बोले कि भैया आप परेशान मत हो, ये ले जाओ चलाओ जाकर, अगर कोई दिक्कत है तो फिर दिखा लेना। अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक तुम्हारा अपना इच्छा रखती है कि 3 दिन 1 हफ्ते तक आप उसको बोलें कि भैया 2-3 दिन के अंदर वो चीज खराब हो जाए मेरे पास ठीक कराना, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, बस तोड़ना फोड़ना मत, टूट फूट जाएगी तो मैं नहीं कुछ कर सकता, बाकी कोई ऐसी दिक्कत आएगी मेरा सर्विस चार्ज होगा तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको काम करके दूंगा। हो सकता है कि आपके पास कोई चार्जिंग कनेक्टर डाल दिया और दोबारा आए डलवाने के लिए, तो आपकी इच्छा ये होनी चाहिए कि 3 दिन के अंदर खराब हो गया, इस बंदे ने हमको 150 रुपया दिया है और हम दोबारा खराब हो गए तो हम इसको ऐसे ही ठीक करके दें, हम इससे पैसे ना लें। अगर आप ऐसा आप ये सोचे, अपने फेवर में सोचे, अपने फेवर का मतलब होता है जैसे आप अपनी चीज को मार्केट में कराने जाते हैं और आप यही उम्मीद रखते हैं कि यार दोबारा आपके पास इसलिए आया है ताकि उसका पैसा लगाए, उसको दर्द है, और उस चीज के लिए आपको समझना चाहिए कि ये कस्टमर सपोर्टिंग होना चाहिए, उसके फेवर में सोचना चाहिए कि भाई हम दोबारा इससे पैसा ना लें और इसको ऐसे करके दें और चाय कॉफी ऐसे ही करा के दें ताकि दोबारा फिर उसी हैप्पी होकर के जाए। जब ऐसा होकर के जाएगा तो इससे क्या होगा, वो आपके 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10 लोगों को जोड़ता जाएगा। और उसको बोलिए कि आपका कोई भी और भी भाई आए घर में, कोई भी मोबाइल फोन खराब हो तो आप दिखाइएगा, कोई टेंशन मत लो, अगली बार काम करेंगे हम इससे भी बेहतर करेंगे, हो सकता है इससे कम में भी हो जाए, ठीक है। जब आप ऐसा रेफरेंस बोलेंगे, क्योंकि रिवॉर्ड्स जो होते हैं हर एक कंपनी देती है, ऐसी कोई कंपनी नहीं जो रिवॉर्ड्स न दे। आज फोन पे भी होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को जोड़ता है तो कहता है तुमको 30 रुपया मिलेगा, 30 रुपया के चक्कर में एक आदमी दूसरे आदमी को जोड़ देता है, होता कि नहीं होता? आप भी उसको रेफरेंस दीजिए, अगर नहीं कोई बड़ी चीज दे सकते तो थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह है कुछ ऐसी चीज जरूर रखिए जिससे क्या होगा वो आपसे आकर्षित हो। उसके बाद पांचवी चीज, अपनी स्किल मजबूत रखिए। स्किल का मतलब समझ रहे हो? हैंड स्किल। हैंड स्किल क्या होता है? एक जादूगर की जादूगरी है, कलाकारी, जैसे जादूगर नहीं होता उसकी सिर्फ हाथ की सफाई होती है, वो क्या कर देता है तुरंत कबूतर बना देगा, कभी कुछ दिखा देता है कभी कुछ दिखा देता है, वो एक जादूगरी। उसी तरीके से हमारी, हम लोगों की हैंड स्किल ही हमारी जादूगरी, कि हमारा हाथ इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी चीज एक बार में परफेक्ट बननी चाहिए, एक बार में चार्जिंग कनेक्टर लगना चाहिए, सब चीजें इतना सफाई से होना चाहिए कि आपका हैंड स्किल बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपका हैंड स्किल स्ट्रांग होगा, सारे काम अगर आप फेल करेंगे अच्छी तरीके से, तो कभी भी आपको फेलियर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आप हमेशा अपने लाइफ में सफल होंगे, सक्सेसफुल रहेंगे और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तो इन चीजों का, जितने भी सारे आप लोग हैं, तो इन चीजों का दोस्तों आप लोग जरूर फॉलो करें। अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि सफलता की कोई कहानी नहीं होती, आपकी जो एक एक छोटी छोटी जो स्टेप्स होते हैं, जो आप मेहनत करते हुए जाते हो, वही एक खड़ा होकर के बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है। कहते नहीं, पहाड़ को बनने के लिए भी जब बहुत सारे तूफान, आंधी, बारिश, मौसम, जब सब चीज आती हैं और वो सब चीजें आकर के एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो चट्टान बन जाता है, होता कि नहीं होता? आता कोई पहाड़ कैसे बना कोई नहीं देख पाया, कोई बनाने वाला नहीं आया, सिर्फ कैसे आया, सिर्फ आंधी तूफान लोगों ने पहाड़ को बनाया है। आंधी तूफान का मतलब समझते हो? हम लोगों को सफल वही बनाएगा जो हमारी परेशानियां, हमारे जीवन की जो परेशानियां होती हैं,
वो हमारे लाइफ में एक आंधी तूफान की तरह होते हैं कि हम लोग परेशान हो रहे हैं, किसी चीज को लेकर परेशान है, हर चीज को लेकर परेशान है, और उन परेशानियों से जो हम लोग लड़ते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए कभी परेशानियों से घबराओ मत, हम सब लोग मिलकर के एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। कभी कोई परेशानी एक दूसरे के साथ में आए, आप बैचमेट हो, एक दूसरे का सपोर्ट करिए और अच्छी तरीके से काम करिए और एक पॉजिटिविटी के साथ में काम करिए, ठीक है। तो आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, कंप्लीट हुआ है, वो लोग अपने सर्टिफिकेट को कलेक्ट करेंगे और ये भी महोबा के रहने वाले हैं, महोबा पड़ता है ना, ये भी महोबा से रहने वाले हैं। दूसरी बात का, ये मेरे पास जो एडमिशन के लिए आए थे, ये मेरे पास रेफरेंस एडमिशन है, मैंने एक मोंटी करके लोग मुझे जानते थे, उनके पहले मैंने भैया को सिखा के भेजा था आज से 2-3 साल पहले, और आज वो अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप चला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जबकि मोंटी है वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का नहीं काम करते, उन्होंने अपने बड़े भाई को सिखाया था, आज उनकी अच्छी शॉप चलती है, अच्छा काम करते हैं, कि इतना काम करते हैं कि उनको मतलब जॉब के लिए, नौकरी के लिए, किसी चीज़ के लिए बाहर परेशान नहीं होना पड़ता। तो फिर उन्होंने इनको रेफरेंस दिया कि आप भी जाइए सीख लीजिए, क्योंकि देखो ज़िंदगी में बेरोजगारी तभी दूर हो सकती है जब हम कुछ करें। कुछ करने का मतलब क्या होता है कि हम कुछ करें तो क्या करें, हमारे हाथ में कोई एक अच्छी हैंड स्किल होनी चाहिए, अगर परफेक्ट हैंड स्किल होती है तो हम अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। तो सर आपने क्या क्या चीज़ें सीखा हुआ? दूसरी बात का, इनका भी बैच पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास 6-7 दिन बाद आए थे, तो ये 5-7 दिन बाद ही जाएंगे अपने हैंड स्किल को मजबूत करके। तो सर आप बताइए अपने बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं छतरपुर जिला से हूँ और पास में मेरा मतलब महोबा जिला पड़ता है, मैं हूँ छतरपुर जिला का, और मैंने जो है मोंटी शुक्ला है मेरे पास के गांव के हैं, उनने मुझे बताया कि वहाँ अच्छा काम सिखाते हैं, वो सीख के भी गए यहाँ से, और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी जाता हूँ सीख लेता हूँ। तो पहले क्या करते थे तुम? जी सर, मेरा खुद का मतलब काम है, सेटरिंग का काम था मेरा, तो अब थोड़ा डाउन हो गया, तो मैं सोचा कि अब क्या करूँ, बैठ के कुछ काम ही कर लूँ। सही बात। तो फिर मैंने निर्णय लिया और आ गया यहाँ पे। देखिए सर, बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग किसी और बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसा बिजनेस है जो अपने जिंदगी में पूरा हमेशा लाइफ टाइम नहीं चलता, लाइफ टाइम का मतलब समझ रहे हो, वो पूरे 12 महीने नहीं रहता। अगर हमको ऐसा काम नहीं मिल पाता कि हमको रोज काम मिल रहा हो, ऐसा नहीं कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने का मतलब ये नहीं होता कि 30 दिन में से हमने 10 दिन में तो पैसा कमा लिया 50,000 रुपए, बाकी 20 दिन खाली बैठे। जब 20 दिन खाली बैठे तो जो तुमने कमाया उसको खा जाओगे, क्या करोगे, खा जाओगे, फिर अगली बार तैयार हो गए। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है, ये कम्युनिकेशन गैप जो होता है हमारे दिमाग को माइनस की तरफ ले जाता है। क्या ले जाता है? माइनस की तरफ, मतलब हम रोज लगातार नहीं बढ़ पाते, फिर लगता है कि यार अभी है फिर ये नहीं है, फिर वो है फिर ये नहीं। आदमी वही सफल होता है जो लगातार आगे बढ़ता रहे, ठीक है ना। तो इन्होंने सोचा, तो ये संजय कुमार जी अपना सर्टिफिकेट लीजिए। चित्रंजन जी हैं और इनका भी कोर्स कंप्लीट हो गया है। दूसरी बात क्या है, इनकी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की ऑलरेडी शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है, जो अपनी शॉप को रन करते हैं, चलाते हैं। और आपकी शॉप कहाँ पर पड़ती है? कलकत्ता। ये कलकत्ता से रहने वाले हैं। सर आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या नाम है और क्या क्या सारी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं, कितने साल से आप इस लाइन में जुड़े हुए हैं, और ये ऑलरेडी पहले से देखो एक सर्विस सेंटर में काम करते थे जहाँ पर मतलब मोबाइल फ़ोन का अच्छा काम होता था, फिर उन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप किया। सर बताइए थोड़ा सा। আমার নাম চিত্রঞ্জন অধিকারী, আমি কলকাতা থেকে এসেছি, এখানে এসে খুব ভালো সুবিধা পেয়েছি, তোমরা যদি শিখতে চাও এখানে আসতে পারো, খুব ভালো শেখানো হয় সব কিছু, সব কাজই শিখা যায়, ICT সব রকম কাজ শেখানো, MMC রিপেয়ার সফটওয়্যার A to Z সব কাজ করা হয়। মেরা ফোন কে বারে বলিয়ে তো ये शिववरदान जी हैं, इनका भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। और ये सर जो है ऑलरेडी मतलब फ़ोटो स्टूडियो की लाइन से जुड़े हुए हैं, फ़ोटो बनाना, मतलब शादी पार्टी में फिल्मों को शूट करना है, वीडियो को बनाना, और इन्होंने भी इसी पर्पज़ से सीखा, क्योंकि सर कह रहे हैं जब मेरे पास अलग होता था तब तो हमारे पास बहुत काम है कि मेरे पास सोने का भी टाइम नहीं है, दिन में खाने का भी टाइम नहीं है, लेकिन पता चला जब अलग नहीं है तो हम घर में ही सो रहे हैं, तो हमको लगा कि हम इस काम को भी अपने लाइन में अगर ऐड कर दें तो जब उस काम को होगा तो उसको। जिला में रहता हूँ और मेरे पास पहले से वीडियोग्राफी का काम कर रहा हूँ, मैं कम से कम 6 साल से कर रहा हूँ वहाँ पे, और तो मैं काफ़ी मतलब हमारे पास शॉप भी अपनी खुद की है, लेकिन मैं कभी मतलब कभी कभी फ्री हो जाता हूँ हफ्ते में एक आधे दिन, तो मैंने सोचा मोबाइल का काम डाल लूँ,
और सारा दिन फ्री हो जाए, मतलब व्यस्त हो जाएंगे मोबाइल के काम पे अपना, और बच्चे अपने पास काम करते हैं पहले से ऑलरेडी, 3-4 रहते हैं अपने पास काम करने के लिए। इसलिए मैंने इससे पहले दोबारा मैंने कहा कि लाइफ में कुछ और बढ़ा दे अपना धंधा, इसलिए मैंने मोबाइल को चूज़ किया अपने लिए लाइफ में। और ये शिल्पकार जी हैं और इनका भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया। ये हमारे लोकल से रहने वाले हैं, पास में ही हैं और 5-7 किलोमीटर दूर हैं, और इन्होंने भी अपने लाइफ में इन्होंने बहुत सारा एजुकेशन हासिल किया, पढ़ाई किया, तैयारी किया, कंपटीशन का सब कुछ किया, लेकिन बाद में वही है कि थोड़ा सा लगा कि अगर हम अपने बिजनेस की तरफ जाते हैं तो अपने बिजनेस की तरफ जाने का मतलब होता है हमारे हाथ में कोई एक अच्छा हुनर होना चाहिए, एक ऐसा हुनर होना चाहिए जिसमें हम मार्केट में लोगों को सर्विसिंग कर सकें, काम कर सकें, अपना बिजनेस कर सकें और अपनी शॉप को ओपन कर सकें। तो इन्होंने ऐसा सोच करके आज मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स को ज्वाइन किया। इनका भी कोर्स कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस थोड़ी सी रह गई है, वो भी अपना अच्छी तरीके से पूरा करके जाएंगे। बताइए सर अपने बारे में। मेरा नाम शिव प्रकाश है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं इससे पहले प्राइवेट टीचर था और वहाँ सैलरी बहुत कम थी और इसी दौरान थोड़ा एज भी बढ़ गई, मतलब 30 ईयर्स का हो गया हूँ। तो पिताजी ने कहा शादी कर लो, शादी कर लिया तो उसके बाद आप जानते हैं कि भी बच्चे हो जाते हैं तो फिर काफ़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक दिन पिताजी बोलते हैं कि सैलरी बहुत कम है और यार तुम कैसे एडजस्ट करो, आज तो हम लोग हैं, तुम सपोर्ट कर रहे हैं, कल को नहीं रहेंगे तो क्या कर पाओगे। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझको कहा कि इस समय मोबाइल फ़ोन मतलब काफ़ी प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा लोग यूज करते हैं और उसमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती है, तो आप कुछ इसमें ऐसा सीख लें। तो फिर मुझे, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो यहाँ पे मुझे ईटेक का दिखाई पड़ा, तो मैं यहाँ आया, अमित सर जी से मिला। अमित सर जी ने मुझे बताया कि आप मतलब कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, कैसे मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट कर सकते हैं, और मेरा हाथ बहुत हिलता था, मैंने आज से पहले कभी मतलब कंपोनेंट लगाना या निकालना या कहिया भी नहीं छुआ था मैंने, मेरा केवल मार्कर से पढ़ाना और चाक चाक खड़िया से पढ़ाना यही हमारे चला, 6 साल मैंने पढ़ाया है। और फिर अभी थोड़ा कमी है लेकिन सर जी लोग का आशीर्वाद है, वो पूरा हो जाएगा जल्दी। इसी बीच में दो मोटिवेशन की लाइन बोलना चाहूँगा, इस बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा तो वही दो लाइनों में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मौत से ठन गई, जीतने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल भी नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। थैंक यू डॉक्टर। तो शिवप्रकाश जी बहुत अच्छी बात है, अशोक कुमार अलग से खा लेने का समोसे पर ध्यान दे रहा है। और मैं आपको मिलाना चाहता हूं अशोक कुमार जी से, और अशोक कुमार का भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया है। इससे पहले मैं आपको अशोक जी के बारे में बताना चाहता हूं, ये पहले ऑलरेडी जॉब करते थे, मेरे इनसे कम से कम 1.5 साल हो गया बात करते करते, ये भी कानपुर के लोकल के ही रहने वाले हैं। इससे पहले इन्होंने जॉब करने का मतलब, इन्होंने जॉब सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं, कुछ पैसे कमाने के बाद सीख सकूं और अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बिजनेस को ओपन कर सकूं। तो अशोक जी आप बताइए जरा अपने बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं पहले नौकरी करता था, उस लाइन में 4-5 साल काम किया, फिर मुझे लगा कि इससे अपनी ज़िंदगी नहीं पार हो सकती। और जो जो लोग नौकरी करते होंगे उनको पता होगा कि ड्यूटी कैसे होती है, तो फिर मैंने दूसरा ऑप्शन ढूंढा कि हम क्या करें जिससे सुकून से अपना काम कर सकें और ये रोज़ रोज का भाग दौड़ ख़त्म हो जाए। घर आओ तो नौकरी की चिंता, नौकरी में रहो तो घर की चिंता, तो हमें ये ऑप्शन अच्छा लगा और मोबाइल का काम भी बढ़िया चल रहा है, तो सर से संपर्क किया और मैं आ गया। फिर हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया और अब जाके देखेंगे अगर दुकान कहीं काम करेंगे या फिर अपनी ओपन करेंगे, अभी तो हमारी दुकान नहीं है लेकिन जैसा होगा आप काम करना इस लाइन में। बिल्कुल,
देखो सबसे आधा काम तो आदमी की जिंदगी में तभी हो जाता है जब वो आधा काम करने के लिए ठान लेता है। अगर आपने कुछ करने के लिए सोचा है तो जाहिर सी बात है वो चीज पूरा होगा, अगर जब तक सोचेंगे नहीं तो कभी जिंदगी में पूरा नहीं हो सकता। तो अशोक जी आपका सर्टिफिकेट है और आप अच्छे से काम करिए, हमारी तरफ से आपको हमेशा के लिए सपोर्ट मिलेगा सब स्टूडेंट्स के लिए। वीरेंद्र कुमार आकाश कुमार आकाश कुमार जी हैं और इनका भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है और ये पहले अपनी तैयारी करते थे और क्या तैयारी करते थे आपको भी बताएंगे, बहुत अच्छी तैयारी करते थे, इनका एजुकेशन भी अच्छा है, इतनी इन्होंने तैयारी करी लेकिन तैयारी करने के बाद भी वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाई और थोड़ा सा घर में फाइनेंशियल की वजह से भी प्रॉब्लम थी। तो बाद में इन्होंने सोचा कि हमको ऐसी लाइन में जाना चाहिए जिससे हम अच्छी तरीके से काम कर सकें, ग्रोथ कर सकें। इनके बड़े भैया मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग लाइन में पहले से जुड़े हैं लेकिन वो पूरा कंप्लीट काम नहीं करते। वो कहते हैं कि जब मैं सर पूरा कंप्लीट काम नहीं करता तब मैं इतना 1000-2000 रुपये कमा लेता हूँ, तो अगर मेरा भाई सीख जाएगा तो वो भी अपनी शॉप को ओपन कर लेगा तो वो भी अपना अच्छी तरीके से काम करेगा। तो सागर जी आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। हेलो गाइज, मैं आकाश कुमार जो कि मैं भतनी बाजार से हूँ, बिहार से हूँ, और मैं मतलब इससे पहले PW में पढ़ता था, मतलब पटना में, जो कि वहाँ पे हमको उतना इंग्लिश अच्छा समझ में नहीं आ रहा था। उससे फिर घर में आ गया, उसके बाद मैं मेरे भैया बोले कि चले जाओ फिर मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लो, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया और अच्छे से सीखा हूँ। ऐसा नहीं है कुछ, मतलब अच्छे से पूरा काम कर रहा हूँ अभी भी। अब जाऊँगा दुकान पर तो अपना पूरा सेटअप करूँगा। और इन्होंने पूरा अपना सेटअप सामान ले भी लिया है, कितना टोटल सामान तुमको मिला है? यही 50K का मिला, 50,000 रुपए का पूरा सामान ले लिया जिसमें से माइक्रोस्कोप है, मशीन है, डीसी पावर सप्लाई मशीन है, और भी रिपेयरिंग करने के जितने भी सारे लेटेस्ट टूल हैं, सारे सॉफ्टवेयर डोंगल वगैरह सारा सब कुछ इन लोगों ने परचेज कर लिया है और अपना काम ही करना है। और फिजिक्स में जब आप करते तो कितना पैसा आपने वहाँ पर जमा किया था, कितना पैसा लगा था तुम्हारा? 1,16,820 रुपये लगा। 1,16,820 रुपये लगा था, वो भी ये इंस्टॉलमेंट थी, अब ये पूरा पैसा नहीं था। पूरा पैसा कितना था वहाँ का? पूरा था, मतलब तीन इंस्टॉलमेंट में था। अच्छा, तीन इंस्टॉलमेंट पैसा था वहाँ का, मतलब जो तैयारी का जो पैसा लगता है इतना पैसा लगता है। लेकिन बाद में हमारी प्रॉब्लम क्या आई कि कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पर एलिजिबल नहीं थे। एलिजिबल मतलब ऐसा कोई ना आदमी नहीं जो ISPCS ना बनना चाहता, हर एक बनना चाहता है, लेकिन वहाँ पर क्या था एलिजिबल भी तो होना चाहिए। तुमने फॉर्म भर दिया IAS का लेकिन काम तुमको नहीं, हाई स्कूल पास होने वाला भी इंटरव्यू है। तो हम लोगों को ये सोच करके हमेशा चलना चाहिए कि हमको अपने लेवल अपने दायरे में रह करके काम करना चाहिए ताकि हमारी ग्रोथ हमेशा बनी रहे, हमारी ग्रोथ हमेशा होती रहे और हम लोग भी सफलतापूर्वक काम कर पाए। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कभी कुछ बड़ी चीज़ नहीं हासिल हो पाती, तो हमारे हाथ में अगर कोई स्किल है, हुनर है, तो हम लोग ज़रूर सफल हो जाते हैं और अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। तो उमेश कुमार ठीक है, आ जाने मेरे जूते बर्बाद हो गए। ये उमेश कुमार जी हैं और ये भी महोबा छतरपुर के रहने वाले हैं और इनका भी पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया लेकिन 5-6 दिन का इनका प्रैक्टिस बाकी है, ये पूरा अपना करके जाएंगे। उमेश जी बताइए आप इससे पहले क्या करते थे? पहले हम ढाबा था मेरा, हम चार भाई हैं, तो भैया बोले कि काम सीखो, तो हमने कहा ठीक है हम काम सीख के आ रहे हैं, तो कह रहे दुकान खुलवा देंगे, ठीक है। तो चारों भाई लोग एक साथ ही काम करते थे? तो आप मतलब कितने साल आप वहाँ पर काम किया आपने साथ में? अभी भी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। पढ़ाई तुमने कब से पूरी कर रखी थी, मतलब पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई अपनी कब पूरी कर ली थी? पढ़ाई हमने कर ली थी 18।
2018 में, तो 2018 में इन्होंने पढ़ाई पूरी करी। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद मतलब अपने भैया के साथ में काम करते रहे, क्योंकि ऐसा फैमिली का बिजनेस होता है कि बहुत ऐसे सारे काम होते हैं कि जो अगर हम हमारे पिताजी कर रहे हैं और हम भी फ्री हैं तो हम भी उनके साथ में हाथ बटाने लगते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं बाहर चले गए या कहीं फ्री है तो हम भी कुछ काम ऐसा करने लगते हैं जिससे हम अपने घर में सहायता कर सकते हैं। तो इन्होंने आईएन के भाइयों ने ये डिसाइड किया, भैया ने ये डिसाइड किया कि ये काम तो चल ही रहा है, अब तुम किसी और चीज में भी निकलो। और चीज में निकलने का मतलब होता है कोई ऐसा और काम सीख करके आओ जिसको इस काम के साथ साथ और भी एक चीज को बढ़ाया जा सके। तो इन्होंने ये सोचा, भैया ने ही इनको बोला कि आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखिए, और इनको भी मेरे पास मोन्टी जी ने ही भेजा था कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखो, मोबाइल फोन रिपेयरिंग काम सीखने के बाद आप अपना बिजनेस करो जिससे आप 1,000-2,000 रुपए की नई इनकम को जनरेट कर सको। जो काम चल रहा है वो तो चलेगा चलेगा, लेकिन उसके पहले में एक चीज और स्टार्ट होनी चाहिए जिससे हमारी ग्रोथ हो, क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ होने का एक ही रास्ता है कि डबल ट्रिपल डबल, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई होता रहना चाहिए। जैसे मल्टीप्लाई होता रहेगा तो हम लोगों की ग्रोथ कहीं ना कहीं होती रहती है। सो मोन्टी एंड शुक्ला जी सीख गए यहाँ से, पास ही में गाँव है, ढाबा में आते रहते थे, बताते थे कि कानपुर में चले जाओ, सीखा ना काम राघविंद सर के जमाने में। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सीखा, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया आया। तो अब इसके बाद आगे करने का प्लान क्या है? दुकान खोलेंगे आगे, अपने आगे दुकान खोलेंगे। और दूसरी बात क्या, इन्होंने बहुत सब चीज़ें से अच्छे से सीखा हुआ है, और आप अपने मोबाइल फोन की रिपेयरिंग की दुकान खोलेंगे। कभी कोई प्रॉब्लम, कोई अगर तुमको उमेश कभी कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम से, हमारी तरफ से आपको हमेशा के लिए मदद मिलेगी, कभी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास अगले स्टूडेंट आएंगे आशुतोष। हाँ भाई सही बात है। तो हमारे पास आशुतोष जी हैं, इनका भी पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स हो गया है। इनके ऑलरेडी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की पहले से ही शॉप है और अपने शॉप को चला रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने मोबाइल फोन रिपेयरिंग को थोड़ा सा काम सीखा था, लेकिन काम सीखने के बाद इनको लगा कि हमको और अब इस लाइन में पूरा कंप्लीट सीखना चाहिए, अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरी तरीके से काम करेंगे तभी हम अपने शॉप को अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। और इससे पहले ऑलरेडी इनके पास फोर व्हीलर कार वगैरह सब कुछ है, और ये शादी पार्टी में बिजनेस का जो इसका काम होता है, डीजे का काम होता है, ये भी सारा काम देखते हैं। लेकिन इस देखने के साथ में वही बात है, वो काम हमेशा नहीं रहता। हमेशा का मतलब होता है हमको 30 में से 300 दिन काम नहीं मिलता, 20 दिन 15 दिन मिलता है, बाकी 10 दिन 15 दिन कहीं ना कहीं हमारा बेकार जाता है। तो उस समय को हमेशा देखो, आदमी अगर जो आदमी अपने समय को बर्बाद कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद कर रहा है। तो अपने समय को बर्बाद नहीं होने देना और हमको आगे काम अच्छी तरीके से करते रहना है। तो बताइए आशुतोष जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है, मैं प्रतापगढ़ के रहने वाला हूँ। मेरी दुकान 4 साल से है, और उसके पहले भी मेरे पिताजी रेलवे में जॉब करते थे, तो उसमें हमको लगा था करीब उसमें हम 5 साल जॉब किए, जबकि हमारा उम्र भी नहीं थे तब भी किए हैं। और उसमें हमने किए, फिर उसमें भी हम एकदम परफेक्ट नहीं हुए। फिर उसके बाद हमने फिर दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद फिर हमने पापा ने बोला कि हम मोबाइल रिपेयरिंग काम सीख लो और बढ़िया से, हम पूरा परफेक्ट उतना बढ़िया से जानते नहीं थे। और हमने फिर यहाँ पे आया, राघविंदर सर जी से बात की, उसके बाद फिर हमने मोबाइल रिपेयरिंग काम सीख के अच्छे ढंग से अब जाएंगे घर पे। और आशुतोष जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये हमेशा बैच में बहुत सपोर्टिंग स्टूडेंट रहे हैं, सब लोगों के साथ में मिल करके एक अच्छा बिहेवियर किया है, कि एक दूसरे को सपोर्ट किया है, और सीखने को लेकर के, समझने को लेकर के, कोई परेशानी कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो इनको नहीं समझ में आई है तो नहीं समझ में आई तो बाद में भी पूछा है कि सर हमको ऐसी चीज़ नहीं समझ में आई, आप हमको दोबारा बता दीजिए। तो वो चीज़ उन्होंने सीखा है, तो मतलब खुद सीखने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया, काम किया, और आज अच्छी तरीके से अपना काम करेंगे जा करके। हमारी तरफ से इनको हमेशा सपोर्ट मिलेगा, और आप आशुतोष जी जाइए, मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष है, आप अच्छी तरीके से काम करिए। प्रदीप कुमार।
हमेशा जिंदगी भर के लिए सपोर्ट आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आएगी तो हमेशा के लिए आपको हेल्प मिलेगी। पोस्ट हो गया है, ये महोबा के रहने वाले हैं और इन्होंने जब मेरे पास पोस्ट को ज्वाइन किया तो इनको भी एक रेफरेंस से मेरे पास आए थे। इनके भैया शैलेंद्र जी हैं, वो हमको जानते हैं। दूसरी बात, क्या शैलेंद्र जी थे वो भी हमको कैसे जानते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो भी एक अपना मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए आए थे और एक सैनसा स्टूडेंट था जो हमारा आज से 2 से 3 मतलब 6 महीने पहले बैच में समथिंग सीख कर गया हुआ था। आज सैनसा की बहुत अच्छी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान है और उसने तब इनके भैया को बोला कि आप भी अपने भाई को अगर कुछ है फ्री है तो उसको भी ऐसा काम सिखा दो तो अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान खोल लेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा। तो फिर इन्होंने सोचा कि मैं भी इस काम को सीख के अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ। तो प्रदीप जी आप अपने बारे में बताइए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप राठौर है, मैं महोबा जिला का रहने वाला हूँ और जब मैं यहाँ पर आया पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो यहाँ पर आया तो मोहित सर ने मतलब पूरा प्रैक्टिकल करवाना सिखाया, हैंड स्किल सिखाई और हमारे राघवेंद्र सर जी ने पूरा थ्योरी पढ़ाई और हमारे एम एस सर जी ने जो मतलब यहाँ का सपोर्ट है वो मतलब पूरी व्यवस्था देख रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ये सब मिलकर हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा और अपने सभी भाइयों को ये वो करना चाहता हूँ, यदि आपको भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है तो ईटेक स्टूडियो से संपर्क करें। इससे पहले आप क्या करते थे? जी सर, इससे पहले मैं नोएडा में रहता था, मेरा हम 3 भाई हैं, मेरा सबसे बड़ा भाई नोएडा में किराने की दुकान किए हुए है और मेरा बीच वाला भाई इंजीनियर है और मैं सबसे छोटा हूँ अपने घर में। तो मैं इनके भैया जो शैलेंद्र जी हैं वो भी बहुत अच्छी जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं। तो ये तीनों भाई मिल करके काम करते हैं, एक साथ संयुक्त फैमिली में हैं, बड़े भैया के साथ में ही अपना हाथ बटाते थे और नोएडा में अगर परचून की दुकान है, बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छा काम करते थे लेकिन साथ में काम करते थे। तो इन्होंने शैलेंद्र जी ने बोला कि आप काम करो कि थोड़ा सा तुम भी इस चीज़ को सीख लो और ये चीज़ ऐसा है आजकल बहुत चल रहा है और मेरा एक साथ का दोस्त है उसने सीख करके अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान काम कर लिया है, अच्छा काम कर रहा है और मैं इतना पढ़ाई लिखाई कर लिया, मैं इतना इंजीनियर बन गया और मैं अगर 30-40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ तो मेरा जो दोस्त है उसने तो खाली छोटा सा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखा है वो भी 25-30-40 हज़ार रुपये कमा रहा है। तो क्यों ना अगर तुमने एजुकेशन मान लिया, एक समय ऐसा होता है जब आदमी एजुकेशन बंद कर देता है। भाई इन्होंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद फिर एजुकेशन को छोड़ दिया, अपने काम धंधे बिजनेस पे लगे। लेकिन हमको एक स्किल एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई पढ़ने का कोई सीखने का कोई समय कोई दौर कोई उम्र कोई टाइम नहीं होता। आप कभी भी जब से आपकी इच्छा होती है, जब से आप काम करना चाहते हो, जब से आप अपनी चीज को तैयार करना चाहते हो, तब से आप उस चीज को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो इन्होंने भी अपना पूरा अच्छी तरीके से कोर्स कंप्लीट कर लिया है और एक अच्छी तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट बन करके सीख करके गए हुए हैं और हमारी तरफ से इनके लिए बहुत सारी विशेष है, अच्छा काम करें और हमेशा के लिए हमारी टीम से इनको सपोर्ट मिलता रहेगा। प्रदीप जी, आयुष राठौर जी से। आयुष राठौर जी हमारे पास स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी हमारे मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया था और आज से इनको समथिंग 2 महीने होते जा रहा ना, 2 महीने हो गया पूरा इन्होंने कंप्लीट कोर्स सीखा। ये भी ऑलरेडी अपने दूसरे बिजनेस से जुड़े हुए थे, पापा के साथ में थे और इन्होंने अपने पूरा पढ़ाई किया सब कुछ किया। फिर इन्होंने सोचा कि मैं टेक्निकल क्षेत्र में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है तो क्यों ना मैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग का ही काम सीख लूं, अच्छी तरीके से काम को कर पाऊं। तो आज कुछ बताइए जरा अपने बारे में। जी सर, इससे पहले मैं कॉन्सेंट्रिक्स नोएडा में टेक्निकल सपोर्ट में काम करता था एज अ कॉल सेंटर एजेंट, जिसमें कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी डिवाइस रिलेटेड तो उसका सॉल्यूशन देना होता था। तो लेकिन जॉब का वही है कि कभी भी नाइट शिफ्ट रोटेशनल शिफ्ट कभी भी कुछ हो जाता है, कभी दिन की जॉब हो तो रात में शिफ्ट करवाएंगे, तो उससे परेशान होकर मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जो टेक्निकल भी हो लेकिन घर रह के ही हो जाए। तो
काफी लोगों ने रिकमेंड किया कि कोई किसी चीज की रिपेयरिंग करो, तो रिपेयरिंग भी मैं फिर मैंने सोचा कि रिपेयरिंग में क्या करूं, तो सबसे ज्यादा आजकल यूज हो रहा है मोबाइल फोन। और ये मोबाइल फोन ऐसी चीज है जो सब कुछ बंद हो जाएगा, कल को टीवी भी बंद हो जाएगी आना, लेकिन मोबाइल फोन कभी आना बंद नहीं होगा। जितने ज्यादा जो चीज इस्तेमाल होगी वो उतनी ज्यादा खराब होगी, जो जितनी ज्यादा खराब होगी उसी की उतनी रिपेयरिंग आएगी। तो इसमें स्कोप ज्यादा है, इसीलिए मैंने सर से कांटेक्ट किया, यूट्यूब से नंबर मिला था, तो सर ने मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया इसमें क्या क्या होता है। फिर मैं सर से आके मिला, मैंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया। मोहित सर ने मुझे हैंड स्किल सिखाई, राघवन सर ने मुझे मोबाइल कैसे काम करना है ये बताया, और अमित सर ने पूरा मैनेजमेंट देखा कि यहाँ पे मैं कैसे रह रहा हूँ, सही टाइम पे आ रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। नमस्ते, थैंक यू। तो हमारे पास आशुतोष जी हैं, इनका भी पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स हो गया है। इनके ऑलरेडी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की पहले से ही शॉप है और अपने शॉप को चला रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने मोबाइल फोन रिपेयरिंग को थोड़ा सा काम सीखा था, लेकिन काम सीखने के बाद इनको लगा कि हमको और अब इस लाइन में पूरा कंप्लीट सीखना चाहिए, अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरी तरीके से काम करेंगे तभी हम अपने शॉप को अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। और इससे पहले ऑलरेडी इनके पास फोर व्हीलर कार वगैरह सब कुछ है, और ये शादी पार्टी में बिजनेस का जो इसका काम होता है, डीजे का काम होता है, ये भी सारा काम देखते हैं। लेकिन इस देखने के साथ में वही बात है, वो काम हमेशा नहीं रहता। हमेशा का मतलब होता है हमको 30 में से 300 दिन काम नहीं मिलता, 20 दिन 15 दिन मिलता है, बाकी 10 दिन 15 दिन कहीं ना कहीं हमारा बेकार जाता है। तो उस समय को हमेशा देखो, आदमी अगर जो आदमी अपने समय को बर्बाद कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद कर रहा है। तो अपने समय को बर्बाद नहीं होने देना और हमको आगे काम अच्छी तरीके से करते रहना है। तो बताइए आशुतोष जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और मैं प्रतापगढ़ के रहने वाला हूँ। और मेरी दुकान 4 साल से है, और इसके पहले भी मेरे पिताजी रेलवे में जॉब करते थे, तो उसमें हमको लगा था करीब उसमें हम 5 साल जॉब किए, जबकि हमारा उम्र भी नहीं थे तब भी किए हैं। और उसमें हमने किए, फिर उसमें भी हम एकदम परफेक्ट नहीं हुए। फिर उसके बाद हमने फिर दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद फिर हमने पापा ने बोला कि हम मोबाइल रिपेयरिंग काम सीख लो और बढ़िया से, हम पूरा परफेक्ट उतना बढ़िया से जानते नहीं थे। और हमने फिर यहाँ पे आया, राघवेंद्र सर जी से बात की, उसके बाद फिर हमने मोबाइल रिपेयरिंग काम सीख के अच्छे ढंग से अब जाएंगे घर पे। और आशुतोष जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये हमेशा बैच में बहुत सपोर्टिंग स्टूडेंट रहे हैं, सब लोगों के साथ में मिल करके अच्छा बिहेवियर किया है, कि एक दूसरे को सपोर्ट किया है, और सीखने को लेकर के, समझने को लेकर के, कोई परेशानी कोई चीज़ ऐसी चीज है जो इनको नहीं समझ में आई है तो नहीं समझ में आई, तो बाद में भी पूछा है कि सर हमको ऐसी चीज़ नहीं समझ में आई, आप हमको दोबारा बता दीजिए। तो वो चीज़ उन्होंने सीखा है, तो मतलब खुद सीखने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया, काम किया, और आज अच्छी तरीके से अपना काम करेंगे जाकर के। हमारी तरफ से इनको हमेशा सपोर्ट मिलेगा, और आप आशुतोष जी जाइए, मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष है, आप अच्छी तरीके से काम करिए। प्रदीप कुमार। ये शोभित कुमार जी हैं, इनका भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है, और इनका भी अभी कुछ 2-4-5 टॉपिक बाकी है, वो बैच में से छूट गए थे, तो वो भी पूरा करके अच्छी तरीके से काम करेंगे। शोभित जी जरा बताइए अपने बारे में। इससे पहले मैं कंपटीशन क्लासेस करता था यहाँ काका देव में, फिर उसमें अग्निवीर में पास हो गया, रनिंग लगी,
मैं रनिंग करने गया तब 50 मीटर रह गया, उसके बाद मैंने इच्छा ही ख़त्म हो गई मेरी कंपटीशन क्लास की। मैं सोचा अब क्या करूं, तब यहां आया कानपुर सागर मार्केट, तो मैं पता गया रिपेयरिंग कहां सिखाते हैं अच्छा, तो फिर टैग आया तो सर ने मोटिवेशन अच्छा किया और बताया यहां अच्छा लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं और अच्छा सिखाते हैं, तभी यहां पर मैंने ज्वाइन किया। वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार जी हैं और इनका भी मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। ये गाजीपुर से रहने वाले हैं और इन्होंने पूरा टाइम दे करके सब चीजें प्रैक्टिकल करके बहुत अच्छे से सीखा हुआ है और इनका भी अपना यही एम है कि हमको भी अपना शॉप ओपन करना है, अपना काम करना है। तो वीरेंद्र जी आप बताइए आप कहाँ से रहने वाले, क्या क्या सारी चीजें सीखे, थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं गाजीपुर यूपी का रहने वाला हूँ। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले सर घर पे ही काम करते थे और कुछ नहीं करते थे। तो ये सीखने का कैसे तुमको मन हुआ कि मतलब ये सीखने का मन सर जो वीडियो वगैरह पे देखते रहते थे अच्छा लगा सर, चले आए यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा लगता था रिपेयरिंग करना, मोबाइल रिपेयरिंग सीखना, इसलिए। आगे का प्लान क्या है, आगे क्या आगे का प्लान? सर मोबाइल रिपेयरिंग करना है, दुकान वगैरह डालेंगे सर। तो आप दुकान डालिए, अच्छे से करिए, जो हमारी तरफ सपोर्ट की जरूरत हो आप जरूर सपोर्ट करेंगे और आप अच्छा काम करिए और कभी कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो भी आकर के उस चीज को आप लोग आकर के दोबारा सीख सकते हैं, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो शिवम सोनी जी हैं और इनका भी पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स हो गया। इनकी भी ऑलरेडी पहले से मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान थी और उसमें से बहुत सारा काम करते थे, फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम भी अपना कोर्स को सीख करके पूरा कंप्लीट सीख करके अच्छी तरीके से काम करेंगे। ये कोर्स सीखने के लिए उन्होंने सारे सॉफ्टवेयर लिए, इन्होंने अपना एक नया लैपटॉप भी परचेज किया और इनका अभी कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी अभी प्रैक्टिस थोड़ा सा बाकी, अभी 5-10 दिन का क्लास बाकी, वो पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे। बताइए सर अपने बारे में। यूपी रायबली से शिवम, पहले मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, काफी काम वापस हो जाता था, इस वजह से मैं यहाँ पे आया और पूरा काम सीखा। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सब लोगों ने अपना पूरा ये पूरा बैच को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया हुआ है और उसमें से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ और भी बहुत हमारे एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पहले बाहर काम करते थे, मतलब आउट ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, मतलब इंडिया में नहीं बाहर उन्होंने काम किया। बाहर काम करने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपना मोबाइल फोन रिपेयरिंग, क्योंकि टेक्निकल लाइन से जुड़े हैं तो टेक्निकल लाइन से जुड़े होने का मतलब उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखूंगा और मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स सीखने बाद अपना बिजनेस करेंगे। अंगद जी बताइए जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए ताकि और भी लोगों को पता चले आपके बारे में। हेलो, मेरा नाम अंगद प्रसाद है, मैं बिहार से हूँ और मैं गल्फ कंट्री में जॉब करता हूँ, फिर भी मैं मोबाइल कोर्स किया इसलिए कि मैं थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करूँगा फिलहाल, उसके बाद मैं सोचूंगा अपना रिजाइन मार करके अपना शॉप खोलूंगा गल्फ कंट्री में। तो इन्होंने मतलब बाहर जॉब किया और बाहर इनका फाइनली डिसाइड यही है कि आज हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जुड़े जो इंडिया के रहने वाले, एक हमारा इलाहाबाद का स्टूडेंट है वो यही इंडिया से रहने वाला, उन्होंने पूरा कंप्लीट कोर्स किया और जो बाहर अपनी मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ब्राजील में मोबाइल फोन की दुकान भी चला रहे हैं। वहां पर कैसे गए, वहां पर जुड़े, उन्होंने नौकरी किया, 2-3 साल नौकरी किया, 2-3 साल जब उन्होंने नौकरी किया तो जिस मार्केट में जॉब करते थे, जहां पर उनको काम मिला था इंडिया से जो भेजा गया था, तो वहां पर क्या था कि वहां पर मोबाइल फोन का भी मार्केट था, लेकिन उन्होंने मोबाइल फोन का काम सीख रखा था, वो किसी और काम से गए थे, लेकिन उस दुकान में भी 2-3 घंटे 4 घंटे पार्ट टाइम काम करते रहते थे।
वहां पर मोबाइल फोन ठीक कर देते थे, कहता था नहीं तो मैं पूरी दुकान की साफ सफाई कर देता था, क्योंकि हम बाहर गए थे तो ये था कि चलो बाहर कुछ काम करेंगे तो जो भी ज्यादा पैसा मिल जाए तो अपना खर्चा चलेगा। तो वहां पर क्या था, 8 घंटे की तो नौकरी होती थी लेकिन 3-4 घंटे वो मोबाइल फोन की दुकान में काम करते थे। ऐसा करते करते उन्होंने कह रहे हमने 3 साल वहां पर बिताए, और 3 साल के बाद जब वो दोबारा रिटर्न वहां गए तो उन्होंने दूसरी दुकान पे एक बात कर लिया, तो एक दुकान वाला था उसने बोला कि एक काम करो, रिपेयरिंग का सारा काम तुम देखो, सेल का मेरा काम है ही, अगर आप चाहो तो मेरे साथ में जुड़ जाओ। तो आज उस पर्सन ने वहां पर अपना पूरा अच्छे से काम किया और रिपेयरिंग का सारा काम सेटअप सारा सा वो जो देखते हैं, सेल का काम जो वहीं के एक लोकल के रहने वाले हैं वो देखते हैं, एज ए बिजनेस की तरह काम करते हैं। कहते सर नहीं है तो मेरा 1-1.5 लाख या इससे ऊपर का भी काम होता है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरा काम यहाँ पर है, मैं इस बात को ये बोल पा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं वहां पर लिखते हैं इंडियन मोबाइल रिपेयरिंग शॉप इस नाम से है। मैं कई बार उनका वीडियो जब आएगा तो मैं उसको डालूंगा भी, और फिर बाद में उन्होंने फाइनल ऐसा किया कि वहां पर शादी भी कर लिया, शादी भी उनकी हो गई, आज वो अच्छी मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। तो एक अच्छी बात है कि आदमी जब आदमी बढ़ता है लाइफ में तो आगे बढ़ता जाता है, सारी परेशानियों से लड़ता जाता है, तो एक दिन क्या होता है एक ऐसे